बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हफ्साबाद। आज हम क्लास 4 की यूनिट 4 की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, सेंसिटिविटी। मूवमेंट के लिए दूसरा कौन सा वर्ड यूज होता है? लोकोमोशन। करेक्ट आंसर इज सी। वी नीड टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज हमें प्लांट्स और एनिमल्स को क्यों लुक आफ्टर करना चाहिए? दे आर क्यूट, दे कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्व्स, वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ, इट इज़ अ नाइस थिंग टू डू। तो इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन जो है वो सी है, वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। नेक्स्ट वन है, व्हाट हैचेज फ्रॉम द एग ऑफ अ ग्रास होपर? अ लार्वा, अ निम्फ, फ्राई एंड एडल्ट ग्रास होपर। करेक्ट आंसर इज बी, अ निम्फ। नेक्स्ट वन है, द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेज इन टू अ टेडपोल, लार्वा, फ्राई, निम। करेक्ट आंसर इज बी, लार्वा। लास्ट वन है, व्हाट ग्रोज फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स? रूट्स, फ्लावर्स, पॉड्स, फ्रूट्स। करेक्ट आंसर इज ए, रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल वर्ड के साथ। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन डैश एंड ब्रीथ आउट डैश ऑक्सीजन, टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स मेक देयर ओन डैश बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड आर लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग। वार्म लिविंग थिंग्स ईट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, हैव सेंसिटिविटी, मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस। ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट वन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश ऑन ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच इज इन एयर वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगी उनके लिए हम ट्रू वर्ड यूज करेंगे, जो क्रॉस होंगी उनके लिए फॉल्स का वर्ड यूज करेंगे। प्लांट्स नेवर मूव, तो ये स्टेटमेंट क्रॉस है, फॉल्स है। ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ट्रू स्टेटमेंट है, सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल लाइफ साइकिल हैव 3 स्टेजेस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पीछे अपने टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं, कुछ की 3 स्टेजेस होती हैं। फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड फ्राई, फॉल्स। ह्यूमन इनहेरिट ऑल दीज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस। एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके लिए हमने एक वर्ड यूज करना है। द गैस डैट वी नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन। अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज लोकोमोशन। द वर्ड फॉर अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन। द वर्ड फॉर फ्रॉग एग्स, स्पान। ये हमने अपने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रॉग के एग्स को स्पान भी बोलते हैं। A young fish, fry. Now we have today's homework unit 4 worksheet learned. Thanks.